बॉलरों को आगे भेजते हो, उनका काम है कि ऐसे शॉट खेले। अगर वो 10 गेंदों में 2 रन बनाते हैं तो दबाव आता है बाकी के टीममेट्स पर। 6 गेंदों में 2-3 चौके लगाए या आउट हो जाए, अगर आउट भी हो जाए ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा गेंद इस्तेमाल ना करे। ओह, बेहतरीन शॉट है ये खास बात है एलेक्स हेल्स में। 19 रन आए ओवर से, 23 बिना नुकसान। बेहतरीन शॉट, ताकत देखिएगा इसमें, ताकत। sky247.net सुपर फोर मुस्तफा। हो ना हो एलेक्स हेल्स होंगे, इस तरह का शॉट यही बल्लेबाज खेल सकता है। कहां खोया हुआ है ये एलेक्स हेल्स, कब से ढूंढ रही है डेजर्ट वाइपर्स के खिलाड़ियों को। एक किट मिल जाएगा डीपी वर्ल्ड की तरफ से। दो बड़े शॉट लगाए हैं अभी तक इन्होंने एलेक्स हेल्स ने, एक सामने एक्सटेंशन ऑफ द आर्म। डेजर्ट वाइपर्स के ओनर इस बार निकलकर खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। 50 रन भी पूरे हुए, एक और छक्का यहाँ पर मुस्तफा के बल्ले से। इसका मतलब है भज्जी एक और किट डोनेट हो गया ग्रास रूट क्रिकेट के लिए। बहुत बढ़िया, चलिए मारते रहे छक्के ऐसे ही, तो ग्रास रूट रही है मुस्तफा की। ये तो शानदार शॉट है, निकल कर मारा भी कहाँ कवर के ऊपर से, और क्या कनेक्शन है, बेहतरीन संपर्क एलेक्स हेल्स का। सिकंदर की रजा इस बार तो कुछ थी, पर सामने रोहन ने अपनी रजा दिखाई कि भाई मेरी रजा चौकों की है। और ये इन्होंने अपने आप सीखा है, इसको सीखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये आप में नेचुरल टैलेंट होता है। 100 रन बोर्ड पे लग गए इस बड़े हिट के साथ। लंबे कद के खिलाड़ी हैं ये, तो इंतजार ही कर रहे हैं कि मुझे कदमों का इस्तेमाल ना करना पड़े और सीधा बैट का फ्लो चल जाए। और जैसे हम कह रहे थे कि टाइमिंग नहीं मिल रहा है इस इनिंग में, देखिए ये शॉट पे नजर डालिएगा, जबरदस्त। बहुत बढ़िया शॉट खेला है, चूक कहां हुई है, चूक सिर्फ लेंथ की थी, लाइन बुरी नहीं है लेकिन लेंथ में थोड़ी सी चूक हो गई आपसे। भी हो जाएंगे, बढ़िया शॉट है पीछे फील्डर के पास, नहीं 4 रन। कोशिश वहां बरकरार थी, सैम बिलिंग की गेंद के पीछे भागे थे पर गेंद ने रेस जीती। 20 अगर आपकी वीडियो उनसे बेहतर है। ओहो, ये शॉट तो बहुत बेहतर है जी, बहुत बेहतर है। 6 रन, खुश है अब मूडी साहब भी, शॉट लगाने पड़ेंगे। ये भी धीरे किया था गेंद, बल्ले पे इस बार पूरी चढ़ी, इसलिए थोड़ा सा मिश्रण करना जरूरी है। अगर आप 6 की 6 गेंदें एक तरह की डाल देंगे ना तो फिर बल्लेबाज तैयार हो जाता है। अब यहां पे अगर आपके पास यॉर्कर है, ओह तबाही, कहां चला गया भाई ये, ढूंढ के लाइए, इनके नाम है आज $1500, पक्की बात है ये। हल्ला बोल 155/5। ऊंचा बहुत गया है और ये दूर भी चला गया, मोमेंटम डेजर्ट वाइपर्स के साथ 169/6 20 ओवर के बाद। बढ़िया गेंदबाजी की है, जबरदस्त शॉट, भागने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा एक पैच आता है जब आप रनिंग बनाते हैं, लेकिन यहां देखिए इस शॉट पे नजर डालेगा, जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए। वाओ, 6 रन फायदा रहेगा उन बच्चों के लिए जिनके पास ग्रास रूट लेवल पर ये किट पहुंचेगी। ये एंड रास नहीं आ रहा है शाहीन शाह अफरीदी को, अलग सा खेल चल रहा है। शाहीन शाह अफरीदी लुकवुड, ये अच्छा शॉट लगाया है, यहां पर रन आएंगे। पहले गेंद पर पेन डंक,
शानदार शुरुआत दे दी है अपनी टीम को, 30 पे पहुंच गए इस चौके के साथ। ये अच्छे गेंदबाज है क्योंकि ये स्पिनर की तरह गेंदबाजी कर, ओ तेरी थोड़ी आंख के ऊपर बॉल गई और जड़ दिया छक्का। पर हम पंजाबी में कहते हैं ना, समझ ना आए लत रख के छक्का मार दो, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यहां पे ये हुआ। जब तक ये हसरंगा इनको समझेंगे जड़ दिया है छक्का। पर अच्छी बात यह वसीम भाई इनकी कि ये स्पिनर की तरह गेंदबाजी, साथ साथ चेंज ऑफ पेस, कटर्स, अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, रन आ रहे हैं यहाँ पर, चौका मिल सकता है और मिल भी गया यहाँ, बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ ये बेन डंक का स्ट्रेट ड्राइव, जबरदस्त शॉट, इनसाइड आउट, और इन्होंने गलत साबित किया, बड़ी अच्छी तरह पड़े हैं ये अभी तक हसरंगा को बेन डंक, और इसी वजह से जो व्यूशिप है वो भी शानदार हुई है। ये तो शानदार व्यू है, शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली थी रोमन पावल का, क्या बल्ला चमका यहाँ पर, फ्लैट छक्का मिड विकेट के ऊपर से, थोड़ी सी छोटी गेंद और थोड़ी धीरी की थी ये गेंद, बल्ले में ऐसे जा टकराई, ऐसी आवाज आई कि रुकी नहीं, फ्लैट छक्का। जरूरत है आज इनकी टीम को, वाह एक और बढ़िया शॉट, ये छक्के से बेहतर शॉट ये, क्योंकि अब तैयार खड़े थे कि आगे डालेंगे तो चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता गेंद उनके पाले में आएगी तो रुकेगी नहीं, चार रन। ये शायद थोड़ा पहले सोच लिया था कि ये निकल जाएगी, स्पेल का असर आंदा उनके सामने, होल्डर अच्छा शॉट लगाया है, क्लियर कर गए आसानी से, ओह छक्का जड़ दिया है अंतिम गेंद पर जेसन होल्डर ने, 16 के बाद 138 पर 6। कलाइयों का इस्तेमाल देखिए, कलाइयों का इस्तेमाल करें तो इस तरह से करें, कमाल की बैटिंग है आज, फिर गैप मिल गया है और ये मैच 20वें ओवर तक नहीं जाएगा, ऐसा हमें थोड़ा सा अंदाजा लग चुका है। कोई भी गेंद फुलर लेंथ गेंद नहीं है,